वेलकम बीएसटी नियाबा चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू का वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यह वीडियो आने वाले बोर्ड एग्जाम 10th 12th एंट्रेंस एग्जाम आईटीआई पॉलिटेक्निक बारह मेडिकल बीएससी नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि हमारा चार्ज क्या होता है, बेसिक पार्टिकल क्या होता है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज का प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ चार्ज। जिसे बताया था कि टाइप ऑफ चार्ज हमारा दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ का और इसके लिमिटेशंस का, यानी कूलम्स लॉ और सीमाएं क्या हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कूलम्स लॉ का। तो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे इसके चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में कि सेम चार्ज रहता है तो वो एक दूसरे को रिपेल यानी कि विकर्षित करता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो कहीं न कहीं एक फोर्स लगता होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है इसके बारे में हमें कूलम्स ने बताया। कूलम्स ने कहा क्या कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 है, दो चार्ज क्या है Q1 Q2 है, तो अगर कहीं पे पार्टिकुलर डिस्टेंस पे मान ले कि ये R रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, जिसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहेंगे, वो फोर्स हमारा आवेश के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। कहता है कि आवेशों के लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। डेट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, डेट इज ए फिजिकल टू Q1 Q2। Q1 Q2 यहाँ पे दो डिफरेंट चार्ज है जो r मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सेकंड इसका पार्ट कहता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। इसमें कहा गया है कि चार्जेज के बीच में यानी आवेशों के बीच में लगने वाला हमारा जो बल होता है उसका परिमाण आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के बीच करवाने पाती होता है। अब ये मैथमेटिकली यहाँ पर से देखिए Q1 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या ये Q2 है, तो ये FF है, तो यहाँ पे लिख दे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 यानी कि समीकरण 1 और 2 से FF हो जाएगा। Q1 Q2 ऊपर में है, Q1 Q2 यहाँ पे ऊपर में है और यहाँ पे R हमारा स्क्वायर नीचे में था। ये प्रोपोर्शनल साइन, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक नया टर्म आता है जिसको हम लिखते हैं K। इस K को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट या हिंदी में इसी को बोलते हैं समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, जिसे हम लोग किसे लिखे हैं K से लिखे हैं। और K का जो वैल्यू होता है वो फॉर्मूला होता है 1/4π, इसको क्या पढ़ते हैं इप्सिलन, और इप्सिलन जो होता है हमें परमिटिविटी यानी कि परावैधता को निरूपित करता है। परावैधता है क्या, दो अलग अलग मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो होता है, और ये परमिटिविटी प्रोडक्ट होता दो का, एक होता है इप्सिलन नॉट और ये होता है इप्सिलन आर। इप्सिलन आर इप्सिलन नॉट दो अलग अलग टर्म है, दोनों को अगर प्रोडक्ट कर देते हैं, गुना करते हैं तो हमें इप्सिलन मिलता है, इसको बोलते हैं परावैधता यानी कि परमिटिविटी। यहाँ पे जो वैल्यू थोड़ा सा देख लेंगे, ER का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपेक्षिक परावैधता, और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, और इसका जो वैल्यू होता है एयर होता है, एयर में एक होता है। क्यों होता है कि अभी सब जगह देखें कि हमारा एयर ही है, अब दोनों बार एयर में अगर फोर्स लगा के उसका रेशियो लेंगे तो सेम चीज आएगा, और सेम चीज का रेशियो क्या था वो कट के एक आ जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे एयर का वैल्यू क्या गया वो 1 हो गया ओनली फॉर एयर। और इप्सिलन नॉट का मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसको हिंदी बोलते हैं शून्य का प्रवैधता, शून्य का प्रवैधता, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इप्सिलन नॉट इज इक्वल टू 8.854 × 10^12 − 12 FM। FM यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जिसको बोलते हैं फैराड पर मीटर। फैराड क्या है तो आगे इसका स्टडी करा है, F हो गया फैराड, M हो गया मीटर, यानी K का जो वैल्यू होता है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये इप्सिलन नॉट यहाँ पे देख रहे हैं, इसको इप्सिलन नॉट को तो तोड़ेंगे दो में, इप्सिलन नॉट इप्सिलन आर, पाई का मान होता है 3.14, सारा को वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो एक हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू आता है 9 × 10^9। इसलिए यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिया था F = K Q1 Q2 / R²
के का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1/4 ε₀ का वैल्यू 9×10⁻¹, यानी कि हमारा फाइनली जो वैल्यू आ गया f=9×10⁻¹ q1 q2/r². फाइनली हमारे यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो फोर्स का निकल गया। ये जो फोर्स निकला हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा कि दो चार्ज के बीच में हमारा क्या फोर्स लग रहा है। हो सकता है कि वो फोर्स हमारा अट्रैक्टिव आकर्षण वाला हो या रिपेलिंग फोर्स हो यानी कि विकर्षण वाला, वो डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ चार्ज पे। नेचर ऑफ चार्ज करने का मतलब आवेश की प्रकृति पे। पिछले भी वीडियो में बताया था कि अगर सेम चार्ज यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होगा तो वहाँ पे जो चार्ज हमारा फोर्स लगेगा वो रिपेलिंग होगा विकर्षण का। अपोजिट चार्ज माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा यानी कि आकर्षण बल, और उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से निकलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे डीपली पूछ देता है कि एफ का मतलब क्या है, तो एफ का मतलब फैराड होता है, जिसको हिंदी में भी हम लोग फैराड ही बोलते हैं। फैराड है क्या, ये आपका एसआई यूनिट है। किसका है, एसआई मात्रक है, कैपेसिटर, जिसको हम लोग धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, धारिता बोलते हैं। जो पंखा वगैरह में जो कंडेंसर लगा होता उसी का कैपेसिटी होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, फैराड में। और याद रखेंगे एक फैराड बराबर होता है CNm, यानी कि सी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कूलम, एन कर रहा है आपका न्यूटन, और एम हो रहा है आपका मीटर। इसी को आप चाहे तो ऐसे लिखते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया एक फैराड का वैल्यू। लेकिन हमें है क्या यहाँ पे पर फैराड पर मीटर, यानी मीटर से भी डिवाइड करेंगे तो पावर यहाँ पे माइनस वन था, एक और डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारा परमिटिविटी या परमिटिविटी और वैक्यूम दोनों का ऐसा यूनिट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, परावैधता या सुनायक का परावैधता कैसे मात्रक, कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेगेटिव का मतलब वो रेसिप नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में यानी हर में। और ER का मतलब यहाँ पे कोई भी यूनिट हमारा नहीं होता है। यहाँ पे देखते होंगे बहुत सा कंपटीशन में क्या होता है, या पॉलिटेक्निक में जो भी वैसे होता है उसका ना डायमेंशन पूछ देता है। तो यहाँ पे डायमेंशन आपका हो जाएगा कूलम को, देखिए कैसे लिखेंगे, कूलम है इसको करेंट में एम्पेयर करेंगे तो क्यों हम लोग होता है आई बराबर, पढ़े होंगे आई बराबर q/t, यानी क्यू बराबर क्या जाएगा आई गुना टी। अब ये कूलम है, क्या है ये कूलम है, तो इसको यहाँ पे स्क्वायर करेंगे c से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमारा a हो जाएगा a और t हो जाएगा सेकंड में। जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, और न्यूटन के रिप्रेजेंट करने पे आपका ये आपका डायमेंशन निकल जाएगा। किसका निकल गया, परमिटिविटी का ये डायमेंशन निकल गया है ना। ये जो परमिटिविटी निकला हमारा सिंपली परमिटिविटी या वैक्यूम का परमिटिविटी, यानी कि हमारा शून्य का प्रवैधता का बीमा निकल गया। चलिए पढ़ते हैं कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस। लिमिटेशंस लिमिटेशन का था पहला, इट इज नॉट वैलिड फॉर लार्जर डिस्टेंस। कहने का मतलब ये हो गया, ये कह रहा कि यह अधिक दूरी के लिए वैलिड नहीं। ये नहीं कि एक एक चार्ज आवेश हमारा मान ले कि एक कूलम आती है 10 कूलम 20 कूलम समथिंग मान ले कि डिस्टेंस पे, दूसरा हमारा चार्ज हो गया 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस पे आ गया, तो ये जो हमारा होगा यहाँ पे कूलम वाला वैलिड, ये कहता इट इज नॉट वैलिड फॉर कितना लार्जर डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि यह काफी अधिक दूरी के लिए वैलिड मान्य नहीं है, यानी कि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ तो वहां पे किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। चलिए सेकंड कहता है इसमें इट इज ओनली वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज या इसी के एक और नाम है रेस्ट चार्ज, या इसी के एक और नाम है पॉइंट चार्ज। यानी ये जो है सिर्फ और सिर्फ उसी चार्ज के लिए वैलिड है जो चार्ज हमेशा मूवमेंट में नहीं, गति में नहीं है, वो रेस्ट में है, विराम में है,
या पॉइंट चार्ज का मतलब ही होता है एक पॉइंट पे वो फिक्स है, इसी चार्ज के लिए वैलिड है। तो ये हमारा वेरिएबल मूवमेंट वाले करने वाले चार्ज पे वैलिड नहीं है। अब सोच रहे क्यों वैलिड नहीं है, तो अगर मान ले कि दो चार्ज है यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, अगर डिस्टेंस वेरी करते रहेगा, डिस्टेंस क्या करेगा वो वेरी करेगा, तो होगा यहाँ पे क्या, जैसे ही डिस्टेंस, और यहाँ पे छूट गया था आर स्क्वायर, डिस्टेंस अगर वेरी करेगा तो होगा क्या कि सभी जगह आपका जो ये वैल्यू होगा ना मैग्नीट्यूड फोर्स का वो घटता बढ़ता रहेगा। इसीलिए ये हमारा क्या होता है, ये ओनली पॉइंट चार्ज वेरिएबल चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, रेस्ट वाले चार्ज के लिए वैलिड है। तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट वैलिड फॉर वेरी शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ मान ले कि एक एवरेज डिस्टेंस मीटर में सेंटीमीटर में, जैसे होता है कि यहाँ पे देखते हैं एटम कहीं पे है, तो एटम जो होता है उसका निकोलियस देखते हैं फर्मी में होता है, फर्मी बोले तो 10^-10, तो उसके लिए वैलिड हमारा ये नहीं होगा। यानी यहाँ पे देख लेंगे ए फिजिकल टू 9×10^9 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर एटम होगा तो निकोलियस प्रोटोन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटोन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट कक्षा और उपकक्षा में क्या करता है, गति करता है, तो काफी छोटा दूरी होगा तो क्या करेगा, प्रोटोन पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है दोनों आपस में अट्रैक्शन करके वो कंबाइंड हो जाएगा और दो चार्ज था वो न्यूट्रलाइज होकर हमारा सिंगल चार्ज बन जाएगा, क्या बन जाएगा सिंगल चार्ज, तो वहां पे फोर्स किसी प्रकार का नहीं लगेगा, इसलिए ये वैलिड हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा कूलम्स लॉ जब भी लागू होगा वैलिड होगा तो सिर्फ और सिर्फ दो चार्ज के लिए वैलिड होगा, ये नहीं कि एक सिंगल चार्ज होगा पे कोई किसी प्रकार का फोर्स लगेगा, इसीलिए बोलते हैं कि इट इज नॉट वैलिड फॉर ये कितना शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। ये तीन तो था मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था, कूलम्स लॉ का सीमाएं था जिसमें कहा गया कि यह काफी अधिक दूरी के लिए मान्य नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश स्टेशनरी आवेश के लिए मान्य है। तीसरा कहता है कि यह छोटा डिस्टेंस के लिए भी लागू नहीं है, यानी दोनों लार्जर के लिए भी नहीं है छोटा के लिए नहीं है, यानी 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के आसपास होगा तो उसी डिस्टेंस के लिए वैलिड होगा, ये नहीं कि किलोमीटर पर डिस्टेंस के वैलिड नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।